कन्नौज में शासन द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के चौथे चरण में कन्नौज अनुविभाग के वैक्सीन का प्रथम डोज 100% पूर्ण हो चुका है। वहीं अनुविभाग में 4 नगर पंचायतें वैक्सीनेशन में प्रथम डोज पहले ही 100% की ओर मुकाम हासिल कर चुकी हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान के चौथे चरण में प्रशासन के निर्देशानुसार अधिकारियों के द्वारा जिम्मेदारी को उठाते हुए तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पनिका ने खेत पर मजदूरी कर रहे लोगों को भी वहीं जाकर भी वैक्सीनेशन करवाई। BMO डॉक्टर लोकेश मीणा ने बताया, पूरे ब्लॉक में 1,60,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया गया था, जो प्रथम डोज 1,65,000 के करीबन लगाई जा चुकी है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। सर, महावैक्सीनेशन का फोर्थ अभियान जो चालू हुआ है, इसके अंतर्गत पूरे ब्लॉक में कुल कितने वैक्सीन लग चुके हैं? कल महाअभियान फोर्थ था वैक्सीनेशन का, जिसमें करीब करीब 6,500-7,000 के आसपास वैक्सीन लगी है, और अभी तक टोटल 100% फर्स्ट डोज हो चुका है सारी 85 ग्राम पंचायत में, चारों नगर पंचायत में, और लगभग 1,60 का टारगेट था, तो 1,60-1,65 के लगभग वैक्सीन लग चुकी है फर्स्ट डोज की। सेकंड डोज भी करीब करीब 30% हो गया है। मैडम, ये महावैक्सीनेशन अभियान जो फोर चल रहा था, इसके अंतर्गत अपन ब्लॉक में कितने प्रतिशत तक पहुँच गए हैं? वैक्सीनेशन महाअभियान 4.0 में हमने कन्नौज अनुविभाग की पूरी 85 पंचायतें जो हैं वो 100% प्रथम डोज में अचीव कर लिया है, और हमारे पास 4 नगर परिषदें हैं जो कि पूर्व में ही 100% हो गई थी। इस प्रकार पूरा अनुविभाग प्रथम डोज में 100% टीकाकरण युक्त हो गया है। मैडम, कोई अगर बाहर रहा होगा इस समय में, तो उसके वैक्सीनेशन के लिए क्या रहेगा? लगातार जो है वैक्सीनेशन के जो कैंप हैं और सेशंस हैं वो लगातार जारी रहेंगे, और पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी वैक्सीनेशन करवा सकता है, तो जो जहां है वो वहां पर वैक्सीनेशन कराए, यही हमारी जो है अपील सभी से है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।